गुस्सा होता है, और आज हम हैं कार्मा प्रेस जैकेट पे, मजा आने वाला है, बहुत मजा है। 2 सितंबर को रिलीज हो रही है और आप सब लोग आए देखिएगा। Special guest hai jo England se aayi hai, Lily Casey. She's a singer and actor, and she's here for the first time in Pakistan. Wo bhi hamari film ka hissa hai aur wo is promotion ke liye aayi hai. Baaki Usama Tahir, Paras Masood, Bajrang, to aap waqif bane hain badi praise mein aur kaafi sari cheezon mein aap unko dekhte rehte hain. Mera ye khayal hai ki right side se dekhiye aap visual to aapko Paras ka bahut hi fark सा गेटअप नजर आएगा, और जान के तो और भी गेटअप फिल्म के ट्रेलर में बहुत फर्क है। तो मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा ये जो गुंडा गंदी के कैरेक्टर में आए इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, एमसी का बहुत शुक्रिया, कार्मा को प्रमोशन में सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्रमोशन हो रही है हमारे पास, यहाँ सारे हमारे अदाकार और सब मौजूद हैं। इस किरदार को लेके हमेशा से, वैसे जब से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ है, तो मैं बहुत चूजी रहा हूँ अपने कैरेक्टर्स को चूज करने के लिए। तो मैं बहुत सोच समझ के किरदार को चूज करता हूँ कि वो कहानी में कोई की पार्ट प्ले कर रहा है या नहीं। तो जब ये किरदार मेरे सामने आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और खासतौर पर फवाद ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बहुत ही कमाल है, उसके डायलॉग, उसके मूवमेंट्स, और ये मैं तकरीबन सारे सेशंस में कह चुका हूँ कि मैं पहला सवाल यही कर रहा था उनसे कि आप करेंगे कैसे। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो बहुत ही प्रोफेशनली शुरू हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब इस तरह की मूवीज यहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं, और काशान को शाबाश है कि उन्होंने ऐसी जबरदस्त फिल्म डायरेक्ट की है, और जितना अच्छा स्क्रिप्ट, और सारे अदाकारों ने जो अदाकारी की है उसने सबने अपना हक अदा किया है, और इस तरह की फिल्म का पार्ट बनना, और ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं किया था कभी, और मैं हमेशा से सोचता था, चाहता था कि कोई कोल्ड ब्लडेड किस्म का कोई गैंगस्टर प्ले करूं, और वो एक कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है, तो वो वक्त था जो मुझे वो किरदार मिला और मैंने उसको निभाया। आप सबसे गुजारिश है कि आप 2 सितंबर को फिल्म देखने जाएं और हम सबको बताएं कि एक अच्छी फिल्म भी। स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनका क्या रिएक्शन था, और फिर जब उन्होंने इस फिल्म में शिरकत की तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए कितना फर्क था बाकी काम जो बहुत अच्छा ये टीवी पे करते हैं उससे। थैंक यू सो मच हैरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो वजह है, जिसकी जो मेन जो बात थी वो ये थी कि बहुत ही मुख्तलिफ फिल्म थी, फवाद भाई ने जो लिखी है रियली इज समथिंग फैंटास्टिक, और मेरा अनुभव ये होता है कि जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो सवाल बहुत आते हैं जहन में, मैं और जानता हूँ कि भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और जवाब थे, और जवाब जब थे तो फिर और एक्साइटमेंट हुई। सो वो तो हो गया स्क्रिप्ट के हवाले से, अब आते हैं कि जब हमने शुरू करना शुरू किया, दैट्स व्हाट आई रियली अंडरस्टूड कि फिल्म क्या है और किस नोयत की बनाई आफ्टर द फर्स्ट डे, तो उसके बाद फिर मुझे याद, मैं शादी के साथ बैठा हुआ था जाने का रूम में, मैंने कहा था शादी ये दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, दिस इज वेरी डिफरेंट, वी नीड टू स्टेप इट अप। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ इट, वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड इट्स रेयर कि हम एक्टर्स जो हैं बैठ के कह सकें कि यार ये जो चीज़ है ये बहुत कमाल की थी, अगर अल्लाह का शुक्र है हम सब जो बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन ऑल से दैट दिस इज अ फन प्रोजेक्ट एंड वी हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हमारी बातें तो सारी सुन ही रहे हैं जो हमने ब्रीफ किया आपको, सारे एक्टर्स ने सब ने। मेरा ये पर्सपेक्टिव था जब मैं ये फिल्म शुरू कर रहा था कि हम पाकिस्तान में कोई ऐसी फिल्म बनाएं जो टेक्निकली उन बेंचमार्क्स को मीट करती हो जो बाहर फॉलो किए जाते हैं, वो उस किस्म की क्वालिटी हो जो बाहर फिल्में बनती हैं,
और आजकल आपको पता ही है कि नेटफ्लिक्स पे लोग बहुत कंटेंट देख रहे हैं, बाहर का बहुत कंटेंट जो है वो एक्सेसिबल है, तो हमारी ऑडियंसेस भी जो है वो आप कुछ नया देखना चाहते हैं, तो वो जो कन्वेंशनल रोमांटिक कॉमेडीज और उस तरह की फिल्में जो हमारी बन रही थी, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम जरा कोई पैराडाइम शिफ्ट लेके आए इस सिचुएशन के अंदर और एक ऐसा जॉनर करें जो पहले कभी नहीं हुआ। तो हमने फिर जब ये डायरेक्टिव देखा, और आपको पता है कि कराची जो है वो हमेशा से क्राइम यहाँ पे बहुत ज्यादा रहा है और कार किडनैपिंग जो है वो बहुत होती थी कराची में एक जमाने में, तो यही हमारी इंस्पिरेशन थी। हमारे राइटर भी उससे गुजर चुके हैं इंसिडेंट से, तो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस भी थी दो दफा कार की, तो उनकी पर्सनल एक एक्सपीरियंस था अबाउट द सिचुएशन, और उनको पता था कि यार ये बहुत एक मुश्किल किस्म का कॉन्सेप्ट है और स्टोरी लाइन है जिसको शूट करना भी बहुत टेक्निकल था, क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत नई चीजें आपको उस तरह से देखने को मिलती है कि नॉन लिनियर है। न्यू एज का कहने का मकसद यही है कि इसका नैरेटिव एक स्ट्रेट उसमें नहीं चल रहा है, हम करंट स्टोरीज दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम पास्ट पे जाते हैं, उससे स्टोरी अनफोल्ड होती है, कैरेक्टर्स जुड़ते हैं, कैरेक्टर्स नजर आते हैं, फिर वापस हम करंट सिचुएशन में आते हैं, तो काफी बैक एंड फोर्थ है इसके अंदर, तो ये नॉन लिनियर फिल्म है जिसमें काफी आगे पीछे हो रही है टाइमलाइन, इसी वजह से इसको हम न्यू एज कह रहे हैं। और इसमें आपको जबरदस्त किस्म का कार चेस देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान में रेयरली अटेम्प्ट हुआ है, जिसमें गाड़ी फ्लिप हो रही है, आपने ट्रेलर में देखा ही होगा गाड़ी फ्लिप हो रही है और गाड़ी एक्चुअली स्किड करते हुए दूसरी गाड़ी को मारते हुए जा रही है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर डाली है। इसका साउंड बहुत जबरदस्त है, सिंक साउंड हमने किया है, मतलब बहुत कम होता है पाकिस्तान में कि आप सिंक साउंड फिल्म करें, और सिंक साउंड करने का मतलब ये था कि डायलॉग जो आप सेट पे जो परफॉर्म हो रहा है वही रिकॉर्ड किया गया और वही फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया गया, बहुत कम हमने एडीआर किया है, डबिंग की है बहुत कम, जहाँ जहाँ बहुत मजबूरी थी वहाँ हमने डबिंग इस्तेमाल की है, लेकिन ज्यादातर वो रियल एक्सप्रेशन आपको सुनने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं एक्टिंग के हवाले से। तो ये सारे टेक्निकल चीजें हैं, प्लस इसकी साउंड सारी 5.1 मिक्सिंग जो यूजली बाहर होती है वो हमने लोकली पाकिस्तान में की है और वो एट पार विद एनी इंटरनेशनल फिल्म है, क्योंकि अभी हम बाहर भी जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज रहे हैं तो वो भी हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि इसकी टेक्निकल क्वालिटी सारी इंटरनेशनल उसको बेंचमार्क्स को मीट करती है, तो ये एक अच्छी बात है कि अब ये प्रोसेस जो है वो इंडिजिनस हो गया है, यानी पाकिस्तान में ये सारा काम हो रहा है। पहले ये हो रहा था कि जी एक फिल्म का कोई प्रोसेस कुछ बाहर चला जाता था, कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क में करवाया जाता था काम, कुछ कभी थाईलैंड में, तो इस फिल्म की और ये प्लस पॉइंट है कि टोटली लोकलाइज्ड वेंचर है, इसका कुछ हिस्सा इंग्लैंड में जरूर शूट किया गया मगर उसकी भी पोस्ट प्रोडक्शन सारी पाकिस्तान में हुई है, तो ये इसकी कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैंने कहा मैं हाईलाइट कर दूं। बाकी फरहान साहब भी चुके हैं, सिंगर सॉन्ग राइटर एंड एक्टर, ये यूके से आई है, ये इनकी पहली इंटरनेशनल मूवी है, एंड आई'd लाइक टू आस्क लिली व्हाट ब्रॉट हर इनटू दिस प्रोजेक्ट and what brings you here today, because life is full of surprises, it can take you anywhere. So Lily, if you can share with us what brought you into Karma and then what brings you here today. Assalamu alaikum. Hi, I'm Lily. Thank you for the warm welcome. I have the perfect answer to your question. Kabini Kuchu, Kosai Dahe. But really, I met Kashan because we did a song during the pandemic and we all learned and I sang in it. And then he told me he was doing this very exciting project, asked me to contribute the song, which is in the film, it's called It's You, it's a love song. And then I also did a cameo from London. And yeah, it's incredible to be part of the first arranged crime thriller in Pakistan. Yeah, I'm really excited to be here, so thank you for having me. Came out tonight, they knew it was dark in my heart. A cool wind blows just a thousand times. Take me to where I come from. It's you, it's always you, it's you, it's always been for you. सफर के बाद ये काफी
फर्क सा रोल है, तो इसके बारे में वो जरूर कुछ बताएं और ये बताएं कि इस फिल्म के ये एक्साइटमेंट उनको ये फिल्म में शिरकत करके क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप सब यहाँ पे आए हैं और हमारी फिल्म की प्रमोशन का हिस्सा बने हैं। आई थिंक जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी हम सफर से, तो मैंने एक ऐसा किरदार प्ले किया था जो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही खतरनाक था और उससे बहुत दुख दिए लोगों को, वो दुख आज तक लोगों को याद है। लेकिन तब से अब तक मेरे ख्याल में जितने भी किरदार मैंने प्ले किए हैं टेलीविजन के लिए, जो किरदार मैं अकारमा में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कितना खुश हुई थी कि मुझे इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरत का किरदार, जो कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है जी, उसकी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड भी है, उसकी घर की लाइफ अलग है, लेकिन उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहती है 2000 में। और इसका मैं कहना चाहूँगी जहाँ तक स्ट्रॉन्ग औरतों की किरदार की बात होती है, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था, क्योंकि इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, कि नफरत मोहब्बत और बदला औरत से बेहतर कोई नहीं है। तो इसमें जो औरतें हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं इन अ गुड वे, ऑल्सो इन अ बैड वे। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट ये है कि जब भी हम फिल्म का सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत सारे गाने होंगे, आई थिंक सॉन्ग्स होंगे, बहुत सारा रोना होगा, उदासी होगी, शादी होगी, फिर तलाक का खर्चा होगा कि हो ना जाए या ब्रेकअप ना हो जाए, इस तरह का कुछ नहीं। इसमें सारी औरतें जो हैं वो ऐसी कमाल चीज़ें कह रही हैं कि आप भूल जाएंगे कि ये बाकी ऐसी औरतें जो हैं हमें क्यों नहीं देखने मिलती हैं। इसमें उनको गुस्सा भी है, उनको पर्दे की चाहत भी है कि अब तो तुम बच्चों के लिए जो इतने किया है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तो मैंने एक आइडिया होता है आपको, स्पेशली मेरे लिए बिकॉज मेरा डेब्यू है, दिस इज माय फर्स्ट सिनेमैटिक अटेम्प्ट, तो मुझे मैं बहुत क्यूरियस थी बिकॉज ड्रामा का ट्रीटमेंट अलग होता है और फिल्म का बहुत मुख्तलिफ था मेरे लिए, मैंने बहुत कुछ सीखा। और जैसे जैसे हम सेट पे मेरे दिन गुजरते गए तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ऐसी चीज़ साइन की अपनी पहली मूवी के लिए जिसमें जो मैं चाहती थी अल्लाह ताला ने सब कुछ उसमें डालिएगा कि ये करना। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज जाइएगा, जरूर देखिएगा, हमने बहुत मेहनत की है, हर कोई करता है मेहनत, और हर आर्टिस्ट का एक और होता है कि जो जो भी वो बनाए वो लोग देखें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है बिकॉज उससे ग्रोथ होती है, तो जो आपको अच्छा लगता है फिल्म में उसका भी बताएगा, जो अच्छा नहीं लगा उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं हम आपकी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक दफ़ा ये रास्ता खुल जाए कि इस जॉनर की फिल्में अगर बननी शुरू हो जाए तो हम कॉमेडी ड्रामा और जो एक लव ट्राइंगल की सिचुएशन है उम्मीद है कि उससे बाहर निकल जाए, बिकॉज आई थिंक दुनिया बहुत आगे निकल रही है, हम शादियों में फंसे रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सब मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जितने मीडिया पर्सनल्स हैं, जितने हमारे यहाँ वेल विशर्स मौजूद हैं, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे बुरी लगे बताइएगा भी, लेकिन जाइएगा जरूर बिकॉज हम सबको आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। दिमाग में यार मुझे कोई नई चीज़ नहीं है, आई एम राइट समथिंग न्यू, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं काफ़ी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने लिखा है और अशान ने डायरेक्ट किया है इस किस्म की इंटरेस्टिंग और मतलब इतनी एक्साइटिंग मूवी जहाँ से अगर आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर हुआ तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो इतनी सस्पेंसफुल एक्साइटिंग थ्रिलिंग मूवी जो है वो अक्सर की हिस्ट्री में नहीं बनी है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो हमारा नैरेटिव था राइटिंग का, इसमें फ्लैश बैक्स हैं, तो दोस फ्लैश बैक द लिंक पर्सपेक्टिव टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द करंट टाइम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और फिर फ्लैश फॉरवर्ड भी है। ठीक है, तो आपका ध्यान इधर से उधर नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज एन एब्सोल्यूट थ्रिल टू राइट दिस, इट टुक मी 3 मंथ्स एंड इट टुक अस फर्दर 3 मंथ्स टू एक्चुअली शूट इट।
एंड इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. अभी हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वी आर अबाउट टू रिलीज द मूवी 2nd September. वी वांट एवरीवन टू गो आउट वॉच द मूवी, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा. इस किस्म की फिल्म आपने जिंदगी में नहीं देखी है पाकिस्तान में, और शायद बाहर भी आपने मुश्किल से ऐसी फिल्में देखी होंगी. चंद ये डायरेक्टर्स हैं, क्वेंटिन टैरेंटिनो टाइप के, गाय रिची टाइप के, जो कि इस किस्म की फिल्में करते हैं. अब वो हमने यहाँ पे अटेंड किया है. हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कोविड के दिनों में शूट करना. 100 लोग सेट पे, किसी एक को भी कोविड हो जाए तो हमारा पूरा शूट कैंसिल होगा. वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट. एक साल से ऊपर का हमारा कोर्स था. तो जस्ट टू बी एबल टू यू नो रीच दिस पॉइंट यू नो इन टाइम is just overwhelming, and we'd like everyone to go out, support Pakistani cinema, support us, and support new things as well. Thank you so much.